लॉ ऑफ कर्मा इज अनमर्सीफुल, उसमें दया नहीं है। अगर दूसरा कोई भी जस्टिस है, जज है, चलो दया देके माफ कर देगा, ये सिस्टम में बंधा हुआ, लेकिन वहां तो कोई करने वाला नहीं है, तो सिस्टम है, नेचर का, कुदरत का बनाया हुआ ऑलरेडी सिस्टम है, उसमें किसी को दया नहीं है, कोई भी नहीं बच सकता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, जब टाइम आएगा जब मिलेगा, खुद को ही मिलेगा। हम बहुत बार क्या करते हैं, मैंने मेरे लिए थोड़ी किया, मेरे परिवार के लिए किया, मैंने इनके लिए किया, समझते हैं अपन, लेकिन हमने किया, फल तो हमको ही मिलेगा, अच्छा या बुरा। और ये जो कुदरत है हमेशा न्याय देता है, कभी भी अनजस्टिस नहीं होता है कुदरत में, अच्छा बुरा दोनों के लिए। कभी कभी हमको लगता है कि मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, इसका इतना भला कर रहा हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है। वो जो हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो पुराने किसी अकाउंट का हिसाब है, लेकिन अभी जो अच्छा किया वो भी कहीं नहीं जाएगा, उसका भी हमको अच्छा फल मिलना ही मिलना है। हर इंसान के साथ न्याय होना निश्चित है, कभी भी मिस नहीं हो सकता है, ये कुदरत का बना बनाया नियम है। और कुदरत इतना प्यारा है यूनिवर्स, कि हम जिस चीज में हमको खुशी मिलती है वो हमको देता है, हमको जिस चीज में खुशी मिलती है वो हमको देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपके किसी का, किसी को कुछ बहुत लॉटरी लगे समझो, या कोई सक्सेस हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई, अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, इसको तो बहुत अच्छा हो गया, खुशी हुई मुझे, तो कुदरत को लगे अच्छा इसको लॉटरी में खुशी होती है, इसको भी लॉटरी दे। अगर मुझे उसकी खुशी पे दुख हुआ, उसको लॉटरी लगेगा यार ऐसा हो गया, तो कुदरत को लगेगा कि उसको लॉटरी पसंद नहीं है इस बेचारे को, तो इसको लॉटरी नहीं लगना चाहिए। अगर मुझे किसी के दुख में दुख हुआ, किसी को कोई तकलीफ हुआ और मुझे दुख, अरे यार बेचारे को ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, तो कुदरत को लगेगा कि अरे इसको ऐसा दुख पसंद नहीं है, इसको तो ये दुख नहीं देना है। और मुझे किसी के दुख में खुशी हुई, बहुत उछल रहा था ना, अच्छा हुआ, इसके तो ऐसे ही होना था, तो कुदरत को लगेगा कि अच्छा इसको वो दुख में मजा आता है, अच्छा लगता, तो इसको वो दुख दिया जाए। हर चीज कुदरत से कनेक्टेड है, हम लोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए जो भी रिएक्शन है हमारा, कि हम अगले आदमी के लिए कैसा सोच रहे, उसकी खुशी के लिए खुश होना चाहिए, उसके दुख के लिए दुख होना चाहिए, उसी लिए हम बनाए गए, हम इंसान हैं। लेकिन आजकल जो है ऐसा तो चलता है, बोलने के चक्कर में लोग गलत काम करते करते आज हर कोई दुखी है, बहुत से लोग हर चीज़ में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए रीज़न ये है कि हमको एक्चुअली इसका सच्चाई नहीं पता, ये कैसे चलता है सच्चाई नहीं पता। जैसे दूसरों के लिए ये होता है, हम खुद पर भी लागू होता है, हम जो अपने बारे में सोचते हैं कुदरत हमको भी ततास्तु बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको किसी ने शादी में बुलाया, हमको जाना नहीं है शादी में, कभी कभी क्या बोल देते, अरे यार मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया था इसलिए नहीं आया, अवॉइड करने के लिए। कुदरत बोलता है ततास्तु, अपने अकाउंट में बुखार हमने लिख लिया, आज निकल होना है, मिस नहीं हो सकता है। उसके लिए हमको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना, बोलना कि यार मैं आना चाह रहा था लेकिन कोई रीजन से नहीं आ पा रहा हूँ। गलत जो नहीं है हमारा, हमको जो प्रॉब्लम नहीं है उस प्रॉब्लम को हमने बोला तो वो इन्वाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो हमको बोलना है नहीं कोई रीजन से, अगर रीजन नहीं बोलना है उनको तो बोलना कि मैं आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ, कोई रीजन से नहीं आ पा रहा हूँ, माफ कर दो। तो उतना सा फाइन ट्यूनिंग करना है। और एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी एक दुकान में है, आप एक प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच रहे हैं, आपको 80 में आया है। अब कोई किसान आया, बार्गेन कर रहा है, बोला 90 रुपये में दे दो हमको, तो जनरली पता नहीं बोल देते हैं कि अरे नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं मिलता, 95 में आ रहा है या 98 में आ रहा है, मैं 100 में दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं मिलता। कुदरत बोलता है ततास्तु, हम वो 5 रुपये ही एंजॉय कर पाएंगे, वो 15 रुपये कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो जाएगा, चले जाएगा, समझे आप। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसान को मुझे 80 में आ रहा है मैं 100 में बेच रहा हूँ बोलने की जरूरत नहीं है। किसान को ये बोलना है कि मेरा लास्ट प्राइस 100 रुपया है, बस खाली फाइन ट्यूनिंग करना है, वही बोलना है कि मेरा लास्ट प्राइस 100 रुपया, इससे कम मैं नहीं दूंगा, खत्म हो गया। लेकिन मैं जो 80 में आने की जगह 95 में आ रहा है बोल, तो हम सिर्फ 5 रुपये एंजॉय करेंगे, वो 15 रुपये एंजॉय हम नहीं कर सकते, कभी ना कभी कहीं ना कहीं नुकसान होकर चले जाएगा। तो छोटे 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 करेक्शंस है हमारी लाइफ में करने के, वो अगर करेक्शंस करते जाएंगे तो सक्सेस की गाड़ी जो सीधी चल रही है, ऊपर जा रही है, स्पीड में जाएगी, रिवर्स गियर नहीं आएगा।